वॉशरूम वॉशरूम इधर 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 चौहान जी लोग हैं मिल लीजिए अर्पित उपस्थित हमारे जनवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय डॉक्टर संजय चौहान जी और यहाँ पे उपस्थित हमारे दिनेश गीता सिंह जी दिनेश सिंह जी आलम खान जी और दिनेश मौर्या जी संदीप कश्यप जी नेताज अहमद जी दुर्गेश प्रजापति जी धीरज कश्यप जी मुकुल कश्यप जी प्रदीप कश्यप जी मनोज निषाद जी रिजवान जी आंशु कश्यप जी अमर सिंह चौहान जी आशीष दीक्षित जी सुदीप मौर्या जी से लेकर पिछड़ावर साथियों विलम्ब बहुत हो गया। ये भीड़ बता रही है स्योता में गुंडा विधायक का टापता नहीं लगेगा। ये भीड़ बता रही है। ये भीड़ माननीय मंत्री जी ये भीड़ देखिए ये कहीं जगह नहीं है कहीं जगह नहीं है। दिखाओ देखो ना भीड़ कहां से कहां भीड़ है पूरा कहीं जगह नहीं है इस मैदान में। ये इतने लोग ही बूथ पे खड़े हो जाएंगे तो विधायक जी आपकी गुंडई भूल जाएगी गुंडई हाँ। और अरे गुंडई तो तुम्हारे बाबा की अब नहीं चलने वाली है उनकी गर्मी शांत कर दी है माननीय अखिलेश यादव जी ने। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब उनकी गर्मी शांत कर दी तो आपकी क्या गर्मी आपकी क्या गुंडई चल पाएगी। और ये कह रहे हैं कि गर्मी शांत कर देंगे। अरे किसकी गर्मी शांत कर दोगे ये मल्लाव कश्यप है जो समंदर में भी शिकार कर लेता है। अरे बाबा जी अरे हम शिकारी नहीं कर लेते जाल भी लगा देते हैं और कटिया भी फंसा लेते हैं और जुबान बहुत बीजेपी के नेता चलाते हैं तो अब किसे ऐसी कटिया फंसाएंगे कि जुबान इनकी बाहर आ जाएगी। और महंगाई चरम सीमा पे बेरोजगारी चरम सीमा पे किसान हक मांगे तो गुंडा मंत्री का बेटा कुचलने का काम करेगा। और जमानत ले ली जमानत भले को ले ली हो लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता बीजेपी की जमानत जब्त कराने का काम करेगी। और ये जिस तरीके से नौजवान हक मांगे तो प्रयागराज में लाठी चलवाने का काम किया किसान मांगे तो कुचलने का काम किया एक रमन कश्यप पत्रकार की हत्या करने का काम किया। ए बीजेपी के लोगों तुम्हें घमंड हो गया तुम अपनी बदौलत बने थे यही पिछड़े और दलित और अल्पसंख्यक और आदिवासियों ने मिलकर तुम्हारी सरकार बनाई थी लेकिन अब की पता है
पहले दूसरे और तीसरे चरण में ही गर्मी शांत हो गई, बीजेपी को ठंडक लग रही है। और आज तो इटावा से चालू होगा, अब जब सीतापुर हरदोई और लखीमपुर चुनाव आ जाएगा तो बीजेपी को आईसीयू में ले जाना पड़ेगा। और पता है जब माननीय मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य और संजय चौहान और राजभर की तरफ जाएगा और जब बड़े बाबा बनारस तक जाएगा तो बीजेपी वेंटिलेटर पे चली जाएगी। और इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, महंगाई सिलेंडर चाची कितने का सिलेंडर कर दिया? 1000 का। बताओ, ये चोर नहीं डकैत है, डकैत। इन्होंने सिलेंडर 1000 का, सरसों का तेल 200 रुपए का, और आपके डीजल पेट्रोल सैकड़े को पार कर गया, और खाद की बोरी से भी 5 किलो चोरी कर लिया। और करे 5 किलो अनाज दे रहे हैं, अरे कितने का अनाज? 100 रुपए का भी अनाज नहीं, सरकारी खरीद में 2 रुपए के हिसाब से 10 रुपए का हुआ। और 250 का थैला दे दिया फोटो छपवा के, कहीं सब्जी भी कोई खरीदने जाए तो पता लग जाए ये मोदी का खा रहा है। बताओ इतना पे इज्जत करोगे? अरे ये खेत खलिहानों के लोग बैठे हैं, कीड़े मकोड़े खा जाते हैं इनके खेतों में 5 किलो अनाज। और बाबा के साढ़ चर के जा रहे हैं, उसका हिसाब कौन देगा? बताओ ना। अरे उतना भी तो नहीं दे रहे जितना तुम्हारे साढ़ चर के जा रहे हैं। और बाबा जी आपको हटाने के लिए तो आपके साढ़ ही पर्याप्त है, हटा देंगे। और इसलिए माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐलान कर दिया है 300 यूनिट घरेलू बिजली फ्री देंगे। और पता है चाची, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, इंडक्शन चूल्हा लगा लेना और बाबा का सिलेंडर वापस कर देना। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं उपलब्धि है कि हम बगैर परिवार वाले हैं, अरे तुम परिवार नहीं चला सके, जो परिवार नहीं चला सकता वो सरकार नहीं चला सकता। इसलिए अगर बाबा के भी पत्नी होती तो ये सिलेंडर 1000 का नहीं होता, सरसों का तेल 200 का नहीं होता, पता है समय को रेट घट जाता। और पता है ये बाबा के भी पत्नी और बच्चे होते तो नौजवानों के ऊपर जो नौकरी मांगने पे लाठी चलाई, जब बाबा की लुंगी खींच के इनका भी लड़का कहता नौकरी दिलवाओ पापा, तो पता लग जाता ये नौजवानों को लाठियों से पीटेंगे। इसलिए ये बहुत ही संवेदनहीनों की सरकार है। ऑक्सीजन से लोग तड़प रहे थे, दवाई से तड़प रहे थे, बच्चे ऑक्सीजन से गोरखपुर में मर गए, इन्होंने महिलाओं पे बिलकती महिलाओं पे लाठियां चलाने का काम किया। इसलिए 300 यूनिट फ्री मिलेगी, अब 1500 रुपए महिलाओं को मिलेगा समाजवादी पेंशन। और पता है अभी तक ये पैसा आपसे मांगती थी, अब पैसा आपको मांगना पड़ेगा इनसे, 18000 रुपए साल मिलेगा। और सिंचाई मुफ्त मिलेगी। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और अपील करता हूँ माननीय महेंद्र सिंह जी बाबू, अरे ये हमको यूनिवर्सिटी में भी चुनाव लड़ाने जाते थे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। इसलिए मैं, ये मामूली विधायक नहीं है, ये देखने में छोटे लगते हैं, इनका कद बहुत बड़ा है। इसलिए मैं अपील करता हूँ कि ये माननीय मंत्री जी, ये इतना जन सैलाब, ये तो जिताने भर को तो यही बैठा है, बताइए। और ये जनता प्रधानों को धमका रहे हैं, अरे ये अभी विधायक जी तुम्हारी भी गुंडई ठीक हो जाएगी, अभी चुनाव आ जाए 23 तारीख को, एक विधायक की भी गुंडई ठीक हो जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ में मैं अपील करता हूँ माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए साइकिल पे बटन दबाओ, माननीय महेंद्र सिंह जीन बाबू को जिताने का काम करो। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।